अगला सवाल यह है कि अमित भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने पहले भी बताया था कि है और उससे पहले भी बताया था कि थी। अब देखो दो तीन सवाल ऐसे हैं कि अमित भाई आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो। तो दोस्तों सेकंड है कि भाई आपकी और आंचल की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप आंचल से शादी कर सकते हो आने वाले टाइम पे। कि पहली बार कितनी तनख्वाह मिली थी, फर्स्ट पेमेंट कब आया था, बहुत बढ़िया मिली थी और बहुत लंबे समय बाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका क्वेश्चन आंसर के पार्ट टू में। पहली वाली वीडियो में आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, जिस वजह से मुझे दो वीडियो बनानी पड़ी ताकि ठीक ठाक रहे, ज़्यादा लंबी भी ना हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है भरत मौर्य भैया जी का। अमित नेगी सर जी, आपके ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपके कमेंट देखते रहते हैं, कमेंट में ए टू जेड सारे पढ़ता हूँ। गाइस अगला सवाल है दीपीड, आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर कितने मंथ में हुए? 1 साल में। लव फ्रॉम पंजाब, बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब, तुसी पाजी ग्रेट हो। इतना ही आता है मुझे। दोस्तों अगला सवाल है आरती नेगी ब्लॉग्स का, जो कि मेरी दोस्त है, उनका सवाल है कि जिंदगी आसान क्यों नहीं? जिंदगी किसकी आसान है, चाहे घोड़ा हो खच्चर हो, हम तो फिर भी इंसान है, हमारी और टफ है भाई, पर मज़ेदार भी है। कभी खुशी मिलती है तो कभी गम मिलता है। बाकी आपने देखो इतने बड़े बड़े एक्टर तक सुसाइड कर लेते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं? सलमान भाई की शादी नहीं हुई तो हम क्या चीज़ हैं? हमारी भी हो जाएगी। तो अगला सवाल है सागर ब्लॉग्स का, अमित भाई नारी गांव में कब आओगे? जब सजवाण जी हमें बुलाएंगे। मोनिका सजवाण ने इनवाइट नहीं किया, वो हमारी मित्र लगती हैं, अब उनकी शादी या सगाई होगी तो उस टाइम जरूर आएंगे, बाकी माँ नारी देवी के दर्शन करने जरूर आएंगे उससे पहले। तो अगला सवाल है सौरभ गोस्वामी ब्लॉग का, भाई हम उत्तराखंड से हैं, कोटद्वार के नज़दीक में हमारे गाँव के कंपेरिजन में आपके गाँव में ज़्यादा काम होता है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम होता है, काम होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन फसल भी बहुत अच्छी होती है, उपजाऊ फसल है। सुअर का डर रहता है, बाघ का डर रहता है और आसमान का भी डर रहता है भाई, कभी कभी बिना बात बरस जाता है, गरज जाता है तो बरस भी जाता है। दोस्तों अगला सवाल है उत्तराखंड से वाले भाई का कि बहुत सारे यूट्यूबर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, तब भी लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आप काफ़ी मेहनत करते हो साफ पता चलता है। मोनिका केदार घाटी ये इतना अच्छा वीडियो भी नहीं बनाती है, फिर भी लोग इसका सपोर्ट करते हैं, थंबनेल बनाने को कह दे तो नहीं आता है। दोस्तों देखो सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पे कोई मेहनत नहीं कर रहा है, वो भी मेहनत कर रही है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। किसी किसी का ये होता है कि सालों हो जाते हैं चैनल को फिर भी वायरल नहीं होता है, और किसी का महीनों में ही वायरल हो जाता है। देखो भाई जो साक्षी का चैनल है उस पर मेन मेहनत मेरी रहती है, लेकिन नाम तो उसका आ रहा है ना, पर यह है कि भाई मेहनत मैं भी करता हूँ और वो भी करती है, तो मैं उसको सिखाता रहूँगा, वो भी सीखती रहेगी, जब वो परफेक्ट बन जाएगी तो वो खुद ब्लॉग डालना शुरू कर देगी। गाइज अगला सवाल है आशीष कुंदीर भाई का, अमित भाई दून आओगे तो मिलके जाना जरूर भैया जी, मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम पे अमित नेगी ब्लॉग्स नाम से मेरा अकाउंट है, तो आप लोग जरूर फॉलो करें, ताकि जो भी मैं इधर उधर जाता रहता हूँ अपडेट देता रहता हूँ। बाकी अगला सवाल है यूके 13 नितिन का, पौड़ी गढ़वाल कब आ रहे हो भाई? पौड़ी गढ़वाल जरूर आऊँगा जब मेरा कोटद्वार साइड आने का प्लान होगा, सिद्धबली महादेव के मंदिर में, सिद्धबली बाबा के मंदिर में। दोस्तों अगला सवाल है माफिया गेमर का कि पहली बार कितनी तनख्वाह मिली थी, फर्स्ट पेमेंट कब आया था? बहुत बढ़िया मिली थी और बहुत लंबे समय बाद आया था, आप ये लगा लो 1 साल में। सवाल है पीएम गेम वीडियो, जो कि मुंशियारी से है भाई, मैं मुंशियारी से हूँ, कभी घूमने आओ तो जरूर बताना। ओ घुमोलू मैं मुंशियारी तो ओ घुमोलू चमोली, जरूर आऊँगा भैया जी। जब मेरे 5000 सब्सक्राइबर हुए थे तब से भैया मेरे वीडियो देखते हैं, और भैया का नाम है पंकज मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अगला सवाल है रावत गेमिंग का, अमित भाई आप वीडियो किस ऐप पे एडिट करते हो? मैं करता हूँ काइन मास्टर पे, वेरी सिंपल, आप गूगल क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग होती है, और फ़ोन पे ही करता हूँ भाई, और फ़ोन है मेरा ये देख सकते हो, पूरी स्क्रीन यहाँ से फूटी हुई है, लेकिन स्टिल वर्क करता है, इसका कैमरा अच्छा है तो इस वजह से मैंने रखा हुआ है। दोस्तों अगला सवाल है शुभम कुमार भैया का, अपनी मम्मी को मेरी तरफ से नमस्ते बोलना। नमस्ते, आपको भी नमस्ते बेटा, खुश रहो और अमित को ऐसे सपोर्ट करते रहो, देखते रहो हमारी वीडियो कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट करते रहो। एक भैया और बोल रहे थे कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, सारा काम मम्मी करती हैं, जो बचा खुचा काम रहता है वो हम करते हैं, और मम्मी भी बहुत मेहनत करती हैं। अब ज़्यादा मेहनत होगी, वीडियो में कम आऊँगी, भैंस भी ले आई और गाय भी है, काम और भी अब ज़्यादा होता है, जनवरी से ज़्यादा काम होता है, बहुत सारे खेत भी हमारे पास, तो क्या करें दोस्तों, पहाड़ी लाइफ है, मस्त करके जीते हैं। फिर भी यहाँ पे दो तीन सवाल ऐसे हैं कि अमित भाई आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हो? तो दोस्तों नॉर्मल इतना कमा पाते हैं जितना हमने जॉब पे कमाना था, क्योंकि हमारे व्यूज़ उतने ज़्यादा नहीं आते हैं जितने औरों के आते हैं, औरों को टाइम भी हो गया है तो इस वजह से उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हमें अभी 1 साल हुआ है, हमें 5-10 हज़ार लोग भी देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे मेन है कि घर वालों की मदद हो जाती है, और अपने पहाड़ में ही हैं तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, जो भी पहाड़ के लोग बाहर गए हुए हैं, ऐसे ही हम आपको जगह जगह की यात्राएँ कराते रहेंगे,
और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। अगला सवाल यह है कि अमित भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने पहले भी बताया था कि है, और उससे पहले भी बताया था कि थी। अब देखो, पहले मेरे पास बाइक थी। आप गर्लफ्रेंड हो ना हो, लेकिन एक बाइक ज़रूर होनी चाहिए जिसको आप अपनी गर्लफ्रेंड मानो, क्योंकि हमेशा वही साथ देगी। पहले मेरे पास रोमियो थी, रोमियो चली गई, फिर मैंने नई ली है। उसका नाम क्या रखना है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी भाई उसी को गर्लफ्रेंड मान के चलोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसकी वजह से मैं चार धाम यात्रा गया हूँ, तो जगह जगह भगवानों के, तीर्थ स्थानों के, सब जगहों के दर्शन हुए हैं। सो अगला सवाल है पहाड़ी भाई, रविंदर भैया नहीं है वो, कोई और हैं, कि मेरे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करना। आपने बोला था कि सेकंड होम टूर की वीडियो आएगी, नहीं आई भैया। अब मैंने यूट्यूब पर डाल दी है, आप मेरे तीन घर हैं और तीनों घर के टूर की वीडियो दे दी है मैंने यूट्यूब पर। तो अगला सवाल है रॉयल पहाड़ी भाई का, कि अनूप सेमाल भाई वीडियो क्यों नहीं बनाते और वो अभी कहाँ हैं? अभी कुछ दिन पहले तो मैं उनसे मिला था, और वो वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं इस टॉपिक पे मुझे भी नहीं पता दोस्तों। सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। बाकी बहुत बढ़िया ब्लॉगर थे वो, हमारी साइड के सबसे टॉप के ब्लॉगर थे ओल्ड टाइम में। दोस्तों अगला सवाल है प्रदीप भाई का, कि प्रीति की शादी में आलोक भाई की मंगेतर क्यों नहीं आई? हमने सबको देखा लेकिन उनको नहीं देखा, क्या आपके वहाँ न्योता नहीं दिया जाता है? दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, जब शादी होती है तभी दुल्हन घर आएगी, उससे पहले नहीं आती है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिली होंगी वो। तो अगला सवाल है सुशील कुमार भैया का, जो कि वीडियो पे कमेंट करते रहते हैं, अमित भाई आपने वीडियो कब डालना स्टार्ट किया था? तो मैंने 2019 में डालना स्टार्ट किया था, 3 साल के लिए फिर गैप दे दिया था, फिर 2023 से डालना शुरू किया, और उसके बाद आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगला सवाल किया आज़ाद पवार भाई ने, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है भाई, क्या आप अपने डॉग का नाम कैस्पर रख सकते हो? नहीं जी, अभी उसका नाम रख दिया है टाइटन, उसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कैस्पर तो पहाड़ों के हिसाब से कैस्पर ऐसा चिल्लाने में ठीक नहीं। जैकी चिल्लाते थे, कालू चिल्लाते थे, सेहरा चिल्लाते थे तो अच्छा लगता था। सेकंड है कि भाई आपकी और आंचल की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप आंचल से शादी कर सकते हो आने वाले टाइम पे? मुश्किल है दोस्तों, आलोक भाई को मैं भैया बोलता हूँ, तो वो हमारी सिस्टर हुई, तो उनको हम सिस्टर ही बोलेंगे। बाकी तीसरा सवाल है कि भाई पहले आपकी शादी होगी कि आपकी सिस्टर की? किसी की भी हो सकती है भाई, पहले सिस्टर की भी हो सकती है और मेरी भी हो सकती है। अभी 3-4 साल हैं, बहुत लंबा समय है, आपको भी बुलाएंगे, आप चिंता मत करो। क्या भाई आपकी गर्लफ्रेंड है? सिर्फ जवाब हाँ या ना में देना है, नहीं है, बाइक है। पांचवा सवाल भी उन्होंने कि अगर आपको मौका मिले कभी आप पॉलिटिक्स में आओगे? यस बॉस, आई एम कमिंग। भाई क्या आप आने वाले टाइम पर जॉब करोगे यूट्यूब के साथ साथ या ओनली यूट्यूब? भाई अगर दोस्तों अगर यूट्यूब बढ़िया चला तो मैं साइड बिजनेस भी कुछ ना कुछ सोचूंगा। अभी YouTube पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि एक जगह फोकस लंबे टाइम तक देना चाहिए ताकि आपको उसका फल मिल सके, और आप लोग दे रहे हो धीरे धीरे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी YouTube फैमिली के लिए, आप सभी की वजह से ही हम इस मुकाम पे हैं। अभी मुकाम तो हासिल, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी, अभी शुरुआत है। अगला सवाल है नरेंद्र सिंह भैया का, कि आप हम जैसों को रिप्ले कहां करोगे? आप तो सिर्फ ब्लॉगर का रिप्ले करते हो। भैया मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, जितने कमेंट आते हैं मैं नहीं तो मेरी बहन सबका रिप्ले करती है। ऐसा नहीं हो कि मैं सारा यूट्यूबर का ब्लॉगर का रिप्ले करूं। दोस्तों हमारे लिए सब समान है, हमारे लिए मेन तो आप ही हो यार, आप हमारी वीडियोस देखते हो, तो आप लोग कृपया ऐसा मत सोचें। तो अगला सवाल है कि आप पब्लिक में खुलेआम ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हो, और यूट्यूब की लाइफ कैसी है? हार्ड है कि मुश्किल है कि आसान है? दोस्तों बहुत मुश्किल है भाई यूट्यूब की लाइफ, आसान भी है और मुश्किल भी है। देखो भाई आपको पब्लिक में ब्लॉगिंग आनी चाहिए, कहीं पे कोई भी जा रहा हो आपने हमेशा बैक कैमरा यूज़ करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, पीछे कैमरे से हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता रहता है मेरे पीछे कौन आ रहा है, जिस वजह से मुझे ब्लॉग बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। थोड़ा एडिटिंग में रात को समय लग जाता है, बाकी दिन भर शूट, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, आलोक भैया, कूल भैया, इनसे मैंने यही सीखा है कि यूट्यूब पर जितना आप टाइम दोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा हर चीज़ में, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। तो सभी में मेहनत है, ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पे मेहनत नहीं है, यूट्यूब के अलावा जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में हैं हर फील्ड में बहुत मेहनत है। पहले लोगों को आसान लगती है वो चीज़ें, जब आदमी उस फील्ड में जाता है कि हाँ भाई उसके काम में घुस गया, तब पता लगता है भाई इस काम की वैल्यू, इसमें कितनी मेहनत लग रही है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। जिसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ तो मुझे माफ़ करना। बाकी मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।